सब्सक्राइब करें आराधनास कुकिंग शो को और दबाएं बेल बटन मेरी बनाई गई रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं लेफ्ट ओवर राइस से कटलेट। आइए देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए तेल तलने के लिए, 1.5 कप बासी या बचे हुए चावल, 2 मध्यम आकार के आलू उबालकर मैश किए हुए, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और नमक हमें चाहिए स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में चावल, मैश किए हुए आलू, प्याज, नमक, हरी मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर और बेसन को डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो तैयार हो गया है। कटलेट बनाने के लिए हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और डो का एक छोटा हिस्सा लेकर उसे हाथों से कटलेट का आकार देंगे और इसके बाद हम इन्हें कॉर्नफ्लोर में रोल कर लेंगे और एक्सेस कॉर्नफ्लोर को हाथों की सहायता से झाड़ देंगे। इसी तरह हम बाकी बचे हुए डो के भी कटलेट्स तैयार कर लेंगे। इन्हें तलने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और उसमें कटलेट को सुनहरा होने तक तल लेंगे। इन्हें तलते समय आप गैस की आंच मीडियम हाई रखें। हमारे कटलेट सुनहरे हो गए हैं और ये तैयार हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। आप इन कटलेट को केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।